हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो जो भी स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी पर न्यू है, तो पहले आपको क्या करना है कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो यह आपकी बी कॉम वाले स्टूडेंट के लिए है, यह जो भी बी कॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड सेमेस्टर में है, तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ई कॉमर्स की अनिवार्यता एशनल ऑफ ई कॉमर्स मतलब 2020 से 2023 आपके जो भी एग्जाम होंगे, इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप और भी ऐसी एजुकेशन मतलब अपने एग्जाम रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि आपका तीन खंडों में आपका पेपर डिवाइड होता है। तो पहले में खंड में पूछे जाते हैं आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न, एंड दूसरे में आपको लघु उत्तरी प्रश्न, एंड खंड तीन में पूछे जाते हैं आपको विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो पहले बात करते हैं हम खंड के अति लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में। तो इसके पहले निर्देश पढ़ते हैं। तो इसमें क्या निर्देश में क्या दे रखा है आपको कि सभी पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का है, अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु अपेक्षित है। आपको क्या करना है कि जो आपको अति लघु प्रश्न करना है कम से कम 75 शब्दों में करना है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 15 मार्क्स के आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अति लघु उत्तरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ई कॉमर्स में पोर्टल क्या है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बिक्री और क्लिक बिजनेस क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि ई रिटेलिंग क्या है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि ई गवर्नेंस क्या है। ये आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न थे जो आपके मॉडल पेपर या आप इम्पोर्टेंट भी समझ सकते हैं। बेसिकली मैं आपको क्या करूंगा कि आपको 20 क्वेश्चन अलग से कराऊंगा, आपके उन 20 क्वेश्चनों में से आपका एग्जाम में पेपर सारे के सारे फंसेंगे। उसको बनाने के लिए आपको कमेंट में लिखना कि वो वीडियो जरूर बनाए। बात करें तो खंड ख के बारे में, इसमें आपको लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके निर्देश पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो निर्देश में दे रखा है कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंक का है, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तरी अपेक्षित है। मतलब आपको जो लघु उत्तरी प्रश्न का जो आंसर देना है कम से कम 200 शब्दों में देना है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 7.5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके 15 मार्क्स के आपके लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि ये लघु उत्तरी प्रश्न का कि ई कॉमर्स और परंपरागत कॉमर्स में अंतर बताइए, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में कि नेट बैंकिंग क्या है, नेट बैंकिंग के क्या फायदे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो पूछा है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस या बाजार को समझाइए। ये आपके लघु उत्तरी प्रश्न के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। बात करें खंड ग के बारे में, तो ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। इसके निर्देश पढ़ें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, विस्तृत उत्तर अपेक्षित। आपको कम से कम 3 या 4 पेज में आपको विस्तृत उत्तर प्रश्न करना चाहिए। एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिलेंगे, तो 45 मार्क्स का आपके ये आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपके जो नंबर मिलते हैं वो विस्तृत उत्तरी प्रश्न में मिलते हैं। तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, इसमें पूछा है कि ई कॉमर्स को परिभाषित कीजिए तथा इसके उद्देश्यों का विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें पूछा है कि ई कॉमर्स ने यात्रा उद्योग मतलब ट्रेवल इंडस्ट्री को कैसे लाभान्वित किया है, विस्तार पूर्वक समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें पूछा है ई बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, ई बैंकिंग के प्रमुख घटक व लाभों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा कि ऑनलाइन व्यवसाय क्या है, ऑनलाइन व्यवसाय के प्रकारों को समझाइए, एंड क्वेश्चन नंबर 13 पूछा कि भारत में ई गवर्नेंस की निजी क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस मॉडल पेपर के।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी वीकॉम रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीकॉम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।